नागरिकता कानून के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदेश में प्रदर्शन के चलते कई हिस्सों में धारा 144 जो है लागू कर दी गई है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पटना में भी कानून के विरोध में प्रदर्शन हुआ। राजेंद्र नगर और दरभंगा में भी कम्युनिस्ट संगठनों ने रेल रोक कर प्रदर्शन किया। नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन जारी है। लखनऊ में नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है। धारा 144 लागू होने के बाद भी लोगों का हुजूम सड़क पर उतरा और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। क्या हो गया? लखनऊ के हसनगंज में प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। यहां पुलिस वालों की गाड़ियों में आग लगा दी गई। इसके अलावा पुलिस चौकी में तोड़फोड़ भी हुई है। सदर इलाके में कई बसों में आगजनी की गई। कई पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारियों ने यूपी रोडवेज की 4 बसों को आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा मीडिया कर्मियों पर भी प्रदर्शनकारियों ने हमला किया। लखनऊ में हो रहे प्रदर्शनों को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का कहना है कि अगर किसी ने हिंसा फैलाने की कोशिश की तो सरकार अपना काम करेगी। लगातार हो रहे प्रदर्शनों को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना हो गया है। इससे निपटने के लिए रणनीति भी तैयार हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि सरकार संशोधित नागरिकता कानून के बाद पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिक पंजी को भी लागू करने की धमकी दे रही है। येचुरी ने कहा कि विपक्षी दल और राज्य सरकारें अब इसके विरोध में एकजुट होकर आंदोलन कर सरकार पर माकूल दबाव बनाकर सीएए और एनआरसी को वापस लेने पर मजबूर करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि हमारे संविधान में नागरिकता को धर्म से कहां जोड़ा गया है। अगर संविधान में कहीं भी नागरिकता को धर्म से नहीं जोड़ा गया है तो सरकार ये जो कुछ भी कर रही है वो संविधान के विरुद्ध है, जो हमें स्वीकार्य नहीं है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार के विरोध में एक ट्वीट किया है। ट्विटर के माध्यम से केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मेट्रो स्टेशन बंद है, इंटरनेट सेवा बंद है, हर जगह सेक्शन 144 है, किसी भी जगह आवाज उठाने की इजाजत नहीं है। प्रियंका ने लिखा, जिन्होंने आज टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च करके करोड़ों का विज्ञापन लोगों को समझाने के लिए निकाला है, वहीं लोग आज जनता की आवाज से इतना बौखलाए हुए हैं कि सबकी आवाजें बंद हो रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लाठीचार्ज और हंगामे के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने पुलिस अफसरों और वाइस चांसलर से भी जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने यूपी के आईजी लॉ एंड ऑर्डर एसएसपी अलीगढ़ और एएमयू के वीसी से भी जवाब तलब किया है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी से 2 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 2 जनवरी को होगी। कोर्ट में मामले की न्यायिक जांच कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल अर्जी पर सुनवाई हुई थी। यह अर्जी पूर्व छात्र और प्रदर्शन में शामिल रहे मोहम्मद अमन ने दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने लाठीचार्ज और हंगामे की तस्वीरें देखकर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि यहां युद्ध जैसे हालात नजर आए। आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में 15 दिसंबर को हंगामा हुआ था। तो लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन की स्थिति है, माहौल खराब है और जो हालात हैं वो कंट्रोल से बाहर हैं। पहले भी चेतावनी प्रदर्शनकारियों ने दी थी, प्रशासन ने सख्त यहां पर उचित व्यवस्था की थी, भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। उत्तर पूर्वी दिल्ली में प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की घटना के सिलसिले में यहां पर दिल्ली पुलिस ने 12 और लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने मंगलवार और बुधवार को 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। अधिकारियों ने बताया कि सीलमपुर में तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में 12 लोगों को पकड़ा गया है, 5 को जाफराबाद मामले में और 4 को दयालपुर मामले में गिरफ्तार किया गया है।
वहीं नागरिकता संशोधन एक्ट के विरोध में हमीरपुर के गांधी चौक पर सीटू पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर सीटू के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नागरिकता एक्ट को लागू न करने की मांग की। धरना में सीटू के नेता जोगिंदर कुमार ने कहा कि रोजी रोटी के मसले में ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार ऐसा करने में लगी है। उन्होंने कहा कि सीटू आगे भी आंदोलन करके इसका विरोध करती रहेगी। नागरिकता कानून पर भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को कड़ा जवाब दिया है। भारत ने कहा कि हम पाकिस्तान के पीएम की टिप्पणी को अस्वीकार करते हैं। पाक पीएम की टिप्पणी भारत के प्रति उनकी घृणा और पूर्वाग्रह का परिचायक है। दरअसल इमरान खान ने कहा था कि इससे दक्षिण एशिया में न केवल शरणार्थियों की समस्या पैदा हो जाएगी बल्कि ये परमाणु संपन्न शक्ति देशों के बीच संघर्ष को भी जन्म दे सकता है। पाक पीएम को जवाब देते हुए भारत ने कहा कि इमरान खान अपने देश और वहां के लोगों की चिंता करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजीव चंदन ने कहा कि हम इमरान खान की इस बेतुकी और निराधार टिप्पणी को पूरी सख्ती से खारिज करते हैं। करनाल के कृष्णा मंदिर में संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी पार्टी की जिला कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में करनाल को सांसद संजय भाटिया यहां पर नेतृत्व करते दिखाई दिए और कार्यकर्ताओं से चुनाव को लेकर चर्चा की। वहीं बैठक के बाद राइस मिलरों ने भी अपनी समस्या को लेकर संजय भाटिया से मुलाकात की। संजय भाटिया ने राइस मिलरों को आश्वासन दिया कि उनकी उचित मांगों को माना जाएगा। भिवानी में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई जिसमें रोजगार एवं श्रम राज्य मंत्री अनुप धानक मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने 15 में से 12 परिवादों को मौके पर निपटाया। इसके साथ ही आपको बता दें कि अनुप धानक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जननायक जनता पार्टी की कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कमेटी की मीटिंगों में रोजगार व श्रम संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। हिमाचल के नॉर्थ जोन में आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए धर्मशाला में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता नॉर्थ जोन के डीआईजी संतोष पटियाल ने किया। धर्मशाला की अगर बात करें तो संतोष पटियाल ने कहा कि बैठक में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों पर चर्चा की गई। पूर्व में जिस एरिया में ड्रग एडिक्ट अधिक होते थे उन क्षेत्रों में अब काफी हद तक स्थिति नियंत्रण में है। चुरखीदादरी के गांव समसपुर में प्रशासन ने पुलिस की सहायता से अवैध कब्जों को हटाया। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने विरोध भी किया। ग्राम सचिव का कहना है कि गांव में कई लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। प्रशासन और ग्राम पंचायत ने अवैध कब्जाधारियों को कई बार नोटिस भी जारी किया था बावजूद इसके अवैध कब्जा नहीं हटाया गया जिसके बाद पुलिस ने अवैध कब्जों पर कार्रवाई की। जिला सिरमौर के मैदानी और ऊपरी क्षेत्र गुरुवार को यहां पर घने कोहरे के ज्यादातर इलाके दिखाई दिए। निचले क्षेत्रों में कोहरे की मोटी चादर बिछने से ठंड का प्रकोप काफी बढ़ गया है। गुरुवार को कोहरे ने मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी में भी भारी कमी आई है इससे लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल के लाहौल स्पीति में इन दिनों पारा -25 डिग्री से भी ज्यादा लुढ़क गया है जिसके कारण घाटी में पेयजल पदार्थों का जमना शुरू हो गया है।